का इस समय 8:30 बज रहा और हम जा रहे बढ़नी, क्योंकि बढ़नी एक ऐसी मार्केट है ईद के सीजन में या बकरा ईद के कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग जितने भी इस साइड तराई क्षेत्र के लोग हैं यानी कि बलरामपुर साइड के जितने भी लोग हैं सब बढ़नी मार्केट करने जाते हैं, नेपाल मार्केट करने जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो कोई भी लोग हो सबकी मार्केट वहीं पर लगती है, क्योंकि वहाँ पर यानी कपड़े वगैरह बहुत अच्छे और बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं, यही वजह है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अक्सर मार्केट इस समय मार्केट वहाँ देखने लायक होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती इतनी ज़्यादा कि मज़ा आ जाएगा आपको मार्केट का एक्सप्लोर करने वाले। ये हालत जो आप देख सकते हो तो ये देख लो, तो ये दो अबे कहाँ घूम रहा तू हाँ आओ चलो अच्छा तो यहाँ देखो कुछ ये हाल है भाई। तो चलो निकलते हैं मार्केट के लिए और बढ़ने के लिए मिलते हैं आपको वहीं पर। स्टेशन पर भीड़ देखो, डेमो ट्रेन का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ये हाल है। चलो चलते हैं आपको हम दिखाते हैं आपको स्टेशन के पीछे का हाल। देखो भाई कितना भीड़ है, रिक्शा वगैरह आप लगने लगे अच्छा खासा जो आप देख सकते हो अंदर देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो यहाँ का कुछ ऐसे हाल है। तो अभी आ चुकी है जो आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यार स्टेशन पे। ये देखो और जोगी है, ये जोगी सवाई लेके जा रहे हैं गोरखपुर। बाकी यहाँ का कुछ ये हाल है जो आप देख सकते हैं। चलो भाई ये बहनें बहुत ज़िद कर रही थी, कह रही थी यार लेके हमको चलो बढ़नी, वहीं चल रहे हैं आगे ट्रेन जो आप देख सकते हैं। चलो भाई निकलते हैं बैठते हैं, मिलते हैं आपको डायरेक्ट बढ़नी में। बहुत भीड़ है यार। चलो भैया बहुत भीड़ है यार आज तो। फाइनली बढ़नी स्टेशन पहुंच गया, ट्रेन यही छोड़ी है अभी, जस्ट 1 घंटा लगा है इनका, बाकी उधर सब लोग बैठे हैं ये देखो। तो चलते हैं निकलते हैं यार। बढ़नी स्टेशन पूरी तरीके से बदल गया, सब नए तरीके से बन गई है। देखो कुछ इस तरह टाइल्स वगैरह लगा है, यहाँ पे कुछ इस तरह है, ये देख लो सब पूरी तरीके से बदल गया यार। जगह जगह पर सब रूम वगैरह बना दिया गया, ये देखो कुछ ये है पूरी बढ़नी की मार्केट। अभी ये पूरा बढ़नी इंडिया में ही लगता है, इसके पीछे एक बॉर्डर है जो इंडिया नेपाल का जोड़ता है। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं, अब नेपाल में एंट्री करेंगे तो वो दिखाएंगे, अगर इंडिया में ही रह जाएंगे तो वो भी सारी चीज़ आपको पता ही चल जाएगा। तो भाई देख लो कुछ ये नज़ारा है मार्केट का, चलते हैं पैदल, बाकी ये लोग हैं तो चलो भाई चलते हैं। फाइनली शॉप पे श्री लगन शोरूम, ये जो देख सकते हैं पिछली बार हम यहीं से लेके गए थे ये लोग कपड़ा वगैरह। तो चलते हैं भाई दिखाते हैं ये लोग, अभी देखेंगे हम चले जाएंगे मार्केट, थोड़ा दिखाएंगे आपको एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें। तो बने रहो। जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा शोरूम है भाई, बहुत बड़ा, लेडीज़ का तो इतने सारे कलेक्शन इनके पास क्या बताएं यार। तो चलो भाई पिछले आप लोग आप इसका एक बार बढ़ने का देखे होंगे लास्ट टाइम, तो यहीं से पूरा परचेज किया गया था, आपको सारा चीज़ दिखाया गया था क्या क्या इनके यहाँ मिलता है। चलो देखते हैं अभी नया नया कलेक्शन क्या आया है। लो कुछ कलेक्शन इनके यहाँ कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त कलेक्शन है, ये देखो पिछली बार यहीं से गया था कपड़ा। तो यहाँ का कुछ ऐसे नज़ारा जो आप देख सकते हैं, कितना भीड़ है। अभी तो 10 ही बजे, अभी देखिएगा शाम तक कितना भीड़ हो जाता है यहाँ पे 12, 1 बजे, 2 बजे तक। तो वो लोग वहाँ पर निकल गए और देख रहे हैं यहाँ सब लोग, देखते हैं ये लोग क्या देख रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ अंदर जी होगा हाँ। चलो फाइनली इस मार्केट में पहुंच गए, अब मार्केट भाई एकदम लखनऊ का अमीनाबाद जैसा मार्केट लगता है, जो हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, जो आप ये देखो भाई कुछ इस तरह पूरी मार्केट है, कोई ऐसी मार्केट नहीं जहाँ पे भीड़ ना हो। ये देखो कितनी बड़ी मार्केट लगती है यार, इधर पूरे कपड़े का ही अलग अलग डिजाइन, हर तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे बच्चों से लेकर बड़ों तक, जो आप देख सकते हैं। सीजन चल रहा है त्योहारों का और शादी का भी, तो जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। चलो इस मार्केट की एक खासियत है कि यहाँ पे फिक्स प्राइस है, डिस्काउंट बहुत कम ही होता है। कुछ इस तरह अलग अलग तरह के डिजाइन है, ये देखो है ना, बाकी ये इधर है ये देखो,
चलो आगे चलते हैं। फिर एक शॉप ये है जो आप देख सकते हैं, ये देखो ये कहाँ कहाँ आपको हम दिखाएं। सो भाई इस समय हमारे एक छोटी सी सकरी गली में, भाई यहाँ पे तो कपड़ों का भंडार है और छोटी छोटी शॉप है, लेकिन कस्टमर उतने ही भरे पड़े जैसे कि पूरे बलरामपुर क्षेत्र और पचपड़वा क्षेत्र के कस्टमर यहीं पे चले आए। लखनऊ का एक हम देखे थे मार्केट अमीनाबाद, एक मार्केट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भाई दिमाग खराब हो रहा, इतने डिजाइन इतने पैटर्न है कि कस्टमर खुद ही कंफ्यूज हो जाए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें कौन सा न लें। शॉप पे आए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, भाई ये देखो कितने सारे डिजाइन है ना, हर पैटर्न में कोई पाकिस्तानी तो कोई कहाँ के, वो तो औरतें ही समझती हैं कि कौन कौन से पैटर्न आते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अलग अलग तरह के डिजाइन है, ये देखो यानी कि 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 हर रेंज में इस शॉप पे भाई डिस्काउंट भी अलाउड है जो आप देख सकते हैं। देखो है ना, देख लो बहुत सारे डिजाइन है। ये देखो हम हैं HK कुर्ती हाउस जो शॉप है वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको रेंज आपको 500 से स्टार्टिंग है, 5000 तक है रेंज यहाँ पे जो आपको दिखाते हैं। ये है आपका HK कुर्ती हाउस यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो भाई सब भाई लोग देख रहे हैं, बाकी आपको माल और दूसरी तरफ लेके चलते दिखाते हैं। एक शॉप यहाँ पे भाई ये देखो सिर्फ लेडीज गारमेंट, सिर्फ लेडीज गारमेंट कुछ इस तरह है, और बाकी आगे लेके चलते एक शॉप ये इधर देखो कुछ ये है ना, कितनी बड़ी शॉप है भाई, बड़ी भी शॉप है कस्टमर भी बहुत ज्यादा है। और आगे लेके चलते हैं हम आपको दिखाते हैं, भाई चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिजाइन है तो भाई ये है MS गारमेंट्स, ये कौन सा मार्केट है, पतली गली हो? अच्छा बढ़नी का पतली गली है, दुर्गा मंदिर के पास में है भाई, MS यानी HK कुर्ती के जस्ट बगल में है भाई। यहाँ पे देखो डिजाइन वगैरह बता दो, शर्ट वगैरह 500 से लेकर आपको 1500 रेंज में मिलेगा, 500 से स्टार्टिंग है 1500 तक, और शरारे गरारे सब नए लेंगे। अच्छा इसका ओनर वसीम मोहम्मद शाहिद खान है। अच्छा शाहिद खान और ये नया वैरायटी डिस्काउंट के साथ। अच्छा 15% डिस्काउंट, 30% लेडीज के गारमेंट्स पे कलेक्शन है भाई, नया कलेक्शन लेडीज के गारमेंट्स पे है कि लेडीज के गारमेंट्स पे या पूरे यानी हर कपड़े पे है? अच्छा तो भाई देख सकते हैं ना, बाकी भी देख लीजिए कि सर आप सस्ते में आ जा रही ये सब बच्चों का भाई, पाकिस्तानी आलिया सालिया सब मिलेगा। तो भाई देख लो यहाँ पे कुछ ये है डिजाइन पैटर्न, कस्टमर की तो भाई भरमार पड़ी है यहाँ पे ईद की शॉपिंग के लिए। बाकी भाई जयन एक सेना जो तो बड़े बोल एक सेना दियो, ये सब भाई 1200-1500 ये देखिए डिस्काउंट सब पड़ जाएंगे, ये देखिए नए नए आए, देखिए ये देखिए फ्रॉक आ रहे, आइए आइए क्या रहेगा आइए देख सकते हैं। ये पूरी स्ट्रीट मार्केट है ये, चलो आगे थोड़ा सा और दिखाते हैं यहाँ पे कुछ ये है स्ट्रीट मार्केट। तो भाई ये है पूरा कॉस्मेटिक का शॉप जो आप देख सकते हैं, बैग से लेके हर चीज यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ का कुछ ये है तो ये देख लो भाई यहाँ का कुछ ये है वैरायटी। और आगे लेके चलते हैं वो देख लो भाई, वो चिल्ला रहा था कि मेरा वीडियो ले लो, तो आपको हम दिखाते हैं ये देखो YouTube के लिए बनाते हैं चाचा। हाँ तो ये देखो भाई कुछ ये मार्केट, इस मार्केट का नाम क्या है, शांति मार्केट है भाई, यहाँ पे पूरा कॉस्मेटिक बैग एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वगैरह वहाँ पे खरीद रही है शायद पसंद कर ली कपड़ा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा, भीड़ इतना ज्यादा हो रहा कि क्या बना, लो यार जल्दी बेल्ट खरीद लेते हैं। चलो यार पहले बेल्ट ले लेते हैं क्योंकि यार बेल्ट की जरूरत है भाई। ये देख लो कितनी सारे डिजाइन है, स्ट्रीट की दुकान है लेकिन देखो घड़ियों की डिजाइन देखो कितने सारे फाइनली, लेकिन बेल्ट ले लिया भाई, इसी में का एक लिया मैरून कलर पे, अभी दिखाते हैं आपको भाई छेद कर रहे हैं। बाकी ये शॉप देखो सुंदर है, काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह।
जो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ की ये मार्केट है कुछ इस तरह। तो भाई मार्केट करके आ गए और इस समय हम बॉर्डर के अंदर ही खड़े, यानी कि मतलब कृष्णा नगर मार्केट में। बॉर्डर हमसे मुश्किल से 500 मीटर दूर है और यहाँ का कुछ ये मार्केट है भाई। ये देखो कितना घर, यानी कि कितना भीड़ है ये मार्केट में पूरा। ये देखो कुछ ये हाल है, यहाँ पे चाउमीन वगैरह बन रहा है, अंकल बना रहे। और ये आपका कुछ दूरी पे बॉर्डर है और उधर आपका इंडिया लग जाता है। ये सब बज गए 4 और सुबह से ही कर रहे हैं शॉपिंग और सब लोग आए हैं अंदर। स्लीपर वगैरह अपना चप्पल वगैरह खरीद रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये शॉप है, ये इंडिया की है। और उधर आप चले जाएँगे उस पार तो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है बीच में और उधर नेपाल लग जाता है कृष्णा नगर। तो क्या आगे सारा यानी कि सुबह 10 बजे निकले थे और शाम हो गया इस समय 5:30 बज गए यार, यानी 6 बजने वाले। तो भाई नहीं, ये देखो भाई इफ्तार वगैरह आ गया, इतना इफ्तार वगैरह आ गया, सब लोग बैठी हैं। ये इतना इधर सब कुछ खरीद के रखी हैं, उधर रखी हैं और यही है अभी इफ्तार उफ्तार है स्टेशन का जो आप देख सकते हो। और कुछ लोग वो हैं, ये देखो सब लोग बैठी हैं इफ्तार करने के लिए। हालत ख़राब हो गई इन लोग की, कह रहे पानी के लिए तरस रही है। देख लो ये सब लोग परेशान है। बाकी ये इधर का नज़ारा है बढ़नी स्टेशन का जो देख सकते हैं। ये हाल है भाई, तो रोज़ा रहो तो ऊपर से तो थकान तो लगेगी कि हो गया बढ़िया से। अब क्या क्या खरीदी वो लोग, ये सारे कपड़ा वगैरह खरीदी अपना अपना ईद का, यही सारी चीज़ें हैं। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और